नमस्कार, आप देख रहे हैं TV29 न्यूज। मैं हूं साक्षी। कुर्रा पुलिस ने दो नटवर लाल को किया गिरफ्तार, दो दिन बाद छोड़ा। दलित की 10 बीघा जमीन पर फर्जी तरीके से तहसील करहल में फर्जी स्टैंप, फर्जी मोहर, फर्जी आदेश कर कराया था बेनामा। दलित की जमीन पर कब्जा करने गए दबंग नटवर लाल तब हुई पीड़ित को जानकारी। घटना की रिपोर्ट कुर्रा थाने में दर्ज, तीन को किया गया गिरफ्तार और जेल भेजा गया। लेकिन दो मास्टरमाइंड नटवर लालों को पुलिस ने गिरफ्तार करके दो दिन बाद छोड़ दिया। बताया गया कि नटवरलाल सुरेश और महेश यादव ने बिना लेखपाल की स्वीकृति फर्जी स्टैंप लगाया और बेनामा करवाया था। जब नटवरलाल की टीम पीड़ित की जमीन पर कब्जा करने गई तो उसे जानकारी मिली। उसने जानकारी के आधार पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। बताया गया कि इसमें से तीन लोग पहले ही जेल जा चुके हैं। जेल वांछित चल रहे महेश और सुरेश यादव को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में दो दिन बाद छोड़ दिया गया। यह घटना कुर्रा थाना क्षेत्र के शिव गांव की है। नटवरलाल पीड़ित पर फैसला करने के लिए दबाव बना रहे हैं। आपको बता दें कि मास्टरमाइंड नटवरलाल ग्राम पंचायत का पूर्व प्रधान है। सुबेदार, क्या पूरा मामला है? हमारा पूरा मामला जो है था, हमारा कोई उनका लेन देन नहीं था, कोई बात नहीं थी। किससे? मैं इस प्रधान से, उनके में साथ रहे हमेशा और हमने साथ जानी नहीं। क्या हुआ आपके खेत में? जब रही है जोत लें गुंजा गलती से। कितना खेत था आपका? 11 बीघा खेत था साहब मेरे पास, और मैं धानों को हूँ। और जब हमने रोकने के जोतने गए थे तो आपने जब बस बोलो हम जब जो जोतने के लिए गए, जब हम साहब गए इनके मुकाबले पे, साहब इनके लड़का और भैया ले राइफल साहब सब धोल पड़े साहब। हम डर के मारे धान उठा सके पूरी जगह छोड़ आए आप, पूरी जगह पर कब्जा कर लिया। हाँ, फिर थाने गए थे आप? थाने गए थे, हमारा बच्चा भी गया था। हाँ, कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ? हाँ, मेरे पास लहरा है हमारे साहब कोई नहीं। तो ये फिर क्या आपको जानकारी मिली जब पूरा जोत लिया? जब इन्हें जोत लिया, जब अपने साहब फद्दल करवाई हमने, अब मेरे बच्चा पढ़ो लिखो तो मैंने लड़ा फद्दल करवाया मेरे ना फद्दल के प्रकाश के ना ही लिख रही मैं इसके बाप के ना बेनामा साहब ने फर्जी करा लिया हमने तब जानी साहब। फर्जी बेनामा करा लिया? हाँ। किसके नाम बेनामा करा लिया तुम्हारी जमीन का? प्रकाश के ना। तो ये उनके कौन है? पिताजी, मैं इसके पिताजी हैं। मेरा नाम तिलक सिंह है सर। तिलक सिंह, क्या पूरा मामला है? क्या जमीन पर कब्जा हुआ है? क्या सर? महेश यादव, राम प्रकाश यादव, सुरेश यादव, नीटू यादव, इन लोगों ने अवैध कब्जा किया सर हमारी जमीन पर। 11 बीघा जमीन थी सर, इनने फर्जी बेनामा कराया था हमारी जमीन पर, हमें सर पता नहीं चला। जितने डॉक्यूमेंट्स लगे उसमें सारे फर्जी लगे हैं, स्टाम्प से लगा करके कोई भी पेपर इनका ओरिजिनल नहीं निकला। हमें बाद में पता चला सर कि इन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया था। हमने फसल काट ली गेहूँ की, ये लोग खेत पर पहुँचे, ट्रैक्टर चलाया इन्होंने, हमने वहाँ पहुँचे विरोध किया तो ये सर हमको माँ बहन गालियाँ देने लगे, मारपीट की, हम वहाँ से भाग गए सर। फिर उसके बाद हमने तहसील में आके पता किया कि तुम्हारा बैनामा हो चुका है। कैसी भी वो क्या राइफल राइफल लेकर? जी सर, महेश यादव पर राइफल थी खेत पर सर, वहाँ लोग पे और लोग भी थे। फिर उसके बाद सीओ साहब से हमने बोला आकर के यहाँ पे, तो उन्होंने विवेचना की थी सब, कोई भी इनके सब टोटल फर्जी कागज निकले थे। तहसील गए, तहसीलदार के गए? जी सब, तहसीलदार के पास गए, वहाँ पे हम दिखवाया जा करके बेनामा फर्जी निकला है मेरा। रजिस्ट्रार ऑफिस गए सर, इसका बिना हुआ निकला नहीं, मेरे नाम से जमीन निकली पिताजी के नाम से सर। रजिस्ट्रार ने क्या बोला? उन्होंने बोला बेनामा फर्जी, मेरा कोई बेनामा नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपने एक लेखपाल ने लिख के दिया हुआ? जी सर, लेखपाल ने लिख के दिया, हमें नहीं दिया था, उन्होंने कहा था सरकारी आदमी देंगे हम। क्या लिखा? उन्होंने ये लिखा था कि महेश यादव, नीटू यादव, सुरेश यादव हमारे पास आई, धमकी दी और हम पे लिखवा रहे थे बेनामा कर दो ये हमारा। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का नाम था विनय, विनय प्रताप सिंह। विनय के बाद आप जो थे थाने में FIR कराई? जी सर, हमने FIR कराई, तहसीलदार नाम से बोला था कि आप पहुँची थाने, मुकदमा लगाई लोगों के खिलाफ, तो हम वहाँ पहुँचे, FIR लिखवाई सर हमने। कोई कार्रवाई हुई अब तक पुलिस की तरफ? सर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, 3 महीना हो गए सर हमको मुकदमा लिखाएं। उसके बाद सर वो रामप्रकाश यादव जेल चले गए थे, उनके 2-3 लड़के सर बिल्कुल बाहर घूम रहे हैं, महेश यादव पकड़ गए थे परसों सर, उन लोगों ने कल छोड़ दिया उनको। किसने पकड़ा था? SO साहब कुर्रा। उसके बाद वो छोड़ दिया? जी सर छोड़ दिए गए, वो लोग कल 3-4 गाड़ी लेके हमारे गांव गए थे,
बहुत से लोग थे उनके साथ में सर। वहाँ पहुँचने के बाद में इन लोगों ने पैसे लिए उनसे, तो उसको छोड़ दिया सर। हम गरीब आदमी, पैसे मेरे पास थे नहीं सर। आज दिन धमकियाँ दे रहे हैं महेश यादव हमको। कल भी सर एक मामला है करल क्षेत्र का ग्राम सभा सड़ जी, यहाँ पर जो है ना एक फर्जीवाड़ा के तहत जो है ना एक बैनामा करा लिया। पूरा मामला क्या है और किसका ये मामला है? ये एक्चुअल में एक बैनामा हुआ है एससी की जमीन का, उसमें एक फर्जी परमिशन सन 2009 की बनाई गई, जबकि कोई इस तरीके की परमिशन 2009 में ग्रांट नहीं हुई है। और उसके बाद जो है आज की स्थिति ये है कि फिर 2009 से 2020 तक कोई किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। जी। और 2020 में एक फर्जी बैनामा तैयार किया गया 2009 का जी, जिस बैनामे में कोई भी व्यक्ति जो है वो जो जिल्द नंबर वही नंबर और जो सब पड़ा हुआ है रजिस्ट्रार के यहाँ से जो रिपोर्ट मिली हुई है उसमें उन्होंने कहा कि इस जिल्द नंबर वही नंबर में कोई बैनामा ही नहीं हुआ है हमारे यहाँ। इस नाम से ना कोई बैनामा हुआ है और ना ही कोई परमिशन हुई है। और उसके बाद एक फर्जी बैनामा तैयार करके सोमोटो और एक दाखिल खारिज करा लिया गया। क्या दाखिल खारिज की कोई परमिशन वगैरह भी दी गई? दाखिल खारिज की एक्चुअल में जो दाखिल खारिज में जो बैनामा दाखिल हुआ है वो बैनामा ही फर्जी है और अधिकारियों गुमराह करके दाखिल खारिज एससी की जमीन को विदाउट परमिशन अपने नाम जो है वो उन्होंने दर्ज कर लिया, विदाउट परमिशन, विदाउट बैनामा, विदाउट पट्टा, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जब दर्ज करा लिया गया उसके बाद उस जमीन पर कब्जा किया गया, जब कब्जा किया गया तो उस व्यक्ति को मारा पीटा गया वो जानकारी हुई। और उसने आके जब मुआयना कराया तो पता चला कि इसमें जो है लेखपाल, तहसीलदार सबने मिलकर फर्जीफिकेशन कर दिया और उसके नाम दर्ज कर दिए। जब उसने शिकायत दर्ज की और FIR कराया तो सोमोटो बिना किसी उसके उसके नाम फिर जमीन तहसीलदार ने और उन्होंने दर्ज करा दी जी। और वो जो हेराफेरी हुई है वो एक्चुअल में व्यक्ति तो है राम प्रकाश जिसके नाम से हुई है जी, परंतु वो व्यक्ति जो है बुजुर्ग है 82 साल का, उसके जो लड़के हैं जिनको ये जमीन जानी थी प्रधान रहा है 10 वर्ष और हार्ट कर्नल पर्सनैलिटी है, पूर्व प्रधान भी है जी, 10 वर्ष पूर्व प्रधान रहा है और हार्ट कर्नल पर्सनैलिटी है, सब कुछ उसका इसी तरीके का फर्जीवाड़ा से ही बनाया हुआ है, कई 420, 402, 407 के कई मुकदमे उस पेंडिंग है जी। तो ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें एक्चुअल मुलजिम जो है वो महेश, एक लेखपाल द्वारा एक आज्ञा दी गई है इसमें कि मेरे द्वारा जब ये बैनामा लेकर ये लोग मेरे पास आए जिसमें महेश राम प्रकाश जो है मैन एक्यूज उसका लड़का महेश जी, और उसके बाद सुरेश और एक लड़का महेश का है सनी जी, ये सब लेके आए। तो इनके आने के बाद मैंने इनसे पूछा कि मैं जब तक मुआयना नहीं कर लूँगा बैनामा का और उसका तब तक मैं इस पर रिपोर्ट नहीं लगाऊंगा दाखिल खारिज पर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और उसके बाद लेखपाल भी ये कहता है कि मेरी फर्जी रिपोर्ट लगा ली गई इन तीनों द्वारा। तो ये धोखाधड़ी बड़ी धोखाधड़ी है और इस तरीके से सर ये कितने बीघे का ये इन्होंने बैनामा करवाया था और इसमें अब कार्रवाई क्या हो रही है? ये करीब 11 बीघा जमीन थी और इसमें दो एक्यूज जो है, तीन एक्यूज राम प्रकाश और दो गवाह जो बनाए गए थे इस पर हरिओम और मेहता वो जेल में है और ये तीनों मुलजिम जो है वो फरार चल रहे हैं, लेकिन ये पूरी धोखाधड़ी इन्हीं तीनों के द्वारा की। लेकिन जानकारी मिली है कि अभी पुलिस ने जो है कल बीते समय में गिरफ्तार कर लिया है इन दोनों अभियुक्तों को। नहीं तो वो मैन एक्यूज्ड है, उनको जेल जाना चाहिए और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वो मैन एक्यूज्ड है, राम प्रकाश तो केवल जो है उसका इस्तेमाल हुआ है, वो 82 साल के बुजुर्ग है। मैन एक्यूज्ड तो यही तीनों, लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंट्री में है तो इसलिए राम प्रकाश मैन एक्यूज्ड है।